मध्य प्रदेश के इंदौर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। इंदौर में रुपयों की पेटियों से भरे ट्रक यूं ही सड़क पर खड़े पाए गए। नगर निगम की टीमें इन ट्रकों को देखकर हैरत में पड़ गई। ट्रकों में रुपयों से भरी पेटियों को देखकर टीम सदस्य मोहचक के रह गए। बाद में अधिकारियों ने इस मामले की गहराई से पड़ताल की तो पूरा माजरा सामने आ गया। जानकारी के मुताबिक नगर निगम की टीम को बैंक के रुपए ले जाने वाली 8 ट्रक पेटियां मिली थी। गुरुवार को ये पेटियां तब मिली जब नगर निगम की टीम ने ट्रेजर आइलैंड के पास पहुंची थी। शहर के मशहूर ट्रेजर आइलैंड के सामने एक चाय की गुमटी रखी हुई थी जिसको हटाने के लिए नगर निगम की टीम यहां आई थी। नगर निगम की टीम के यहां आने के दौरान अजीब वाकया हुआ। टीम को सड़क पर बड़ी संख्या में बैंक की नकदी ले जाने वाली 8 ट्रक पेटियां मिली। नोटों से भरी ट्रक पेटियां देखकर टीम के सदस्य आश्चर्यचकित हो गए। बाद में उन्हें बताया गया कि यहां स्थित एक बैंक की ब्रांच से ही पूरे शहर में अन्य शाखाओं में ऐसी ही पेटियों से नकद राशि पहुंचती है। रुपयों से भरी ट्रक पेटियां यूं सड़क पर देख निगम के अधिकारियों ने नाराजगी जताई। इतना ही नहीं, बैंक परिसर के आसपास कचरा भी फैला था जिसके चलते अधिकारियों ने बैंक पर 10,000 रुपए का स्पॉट फाइन भी लगा दिया। वहीं गुमटी चलाने वाले महिला ने कार्रवाई का विरोध किया। पुलिस मौके पर पहुंची और सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।